नमस्कार विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज विराट शख्सियत के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है पंकज सिंह जी आपका। पहले दिल्ली और उसके बाद पंजाब की जीत के बाद आपका ये रीवा का पहला दौरा है, तो क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को कामों के आधार पर स्थापित किया है और पंजाब की जनता ने जो मुहर लगाई है कि कामों की राजनीति चलेगी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश में भी जनता इन दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त है। जनता अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही है और ख़ास तौर से अगर हम मार्च 2020 की घटना देखें कि 15 साल शिवराज सिंह चौहान ने शासन चलाया था 2018 तक और उनको नकार के जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था और कांग्रेस पार्टी के विधायक से लेकर मंत्री तक बिक गए। कांग्रेस ने जो 2020 में अपनी सरकार खोई, उस सरकार बस नहीं खोई बल्कि जनता के बीच से अपना विश्वास भी खो दिया। और दूसरी तरफ जिस शिवराज सिंह चौहान को जनता ने नकारा था, वो शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे समय में प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। यहाँ विश्वसनीय और ठोस विकल्प की तलाश में आम आदमी पार्टी का प्रयास है कि हम लोग लगातार मध्य प्रदेश के अंदर अपने कार्यक्रम करके, अपने संगठन को विस्तार करके, जनता के मुद्दों में संघर्ष करके और जो चुनावी तैयारियां हैं, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव के चुनाव की तैयारियां हों या विधानसभा चुनावों की तैयारी, इन सब चीज़ों की तैयारी करके हम जनता के सामने ठोस और मजबूत विकल्प रखने जा रहे हैं। दो बड़े राज्यों में सफलता मिलने के बाद 2023 में भी बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जी, तो मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की भूमिका क्या होगी? जो अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने एक जो असंभव वाली बात है वो संभव करके दिखाया है कि शिक्षा फ्री और क्वालिटी वाली शिक्षा देने की बात कहना आसान है लेकिन करके दिखाना मुश्किल है। हमने जो दिल्ली का बजट है उसका 25% शिक्षा पे खर्च किया। हमने स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली के एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्ग को उपलब्ध कराई निशुल्क में। हर तरीके की जांच और दवाइयां हर नागरिक को हम दे रहे हैं। 15% अपने बजट का हम स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं। हमने ये तमाम चीज़ें, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये सब कुछ करके दिखाया है। तो ऐसे समय में जब दो दली व्यवस्था मध्य प्रदेश में है और यहाँ की जनता अपने आप को इन दोनों पार्टियों से त्रस्त पा रही है तो आम आदमी पार्टी की ओर देख रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में लोग स्वीकार देर से करते हैं लेकिन जब एक बार मौका मिलता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि प्रदेश की जनता पिछले आज़ादी के बाद इन दोनों पार्टियों को सरकार दे के देख चुकी है कि प्रदेश का जब से गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इन दोनों ही दलों की यहाँ सरकार रही है, इनको हमने इतने वर्षों तक देखा। तो 5 वर्ष आम आदमी पार्टी को देके देखें, अरविंद केजरीवाल जी की टीम को देके देखें। अगर हम दिल्ली में अच्छा कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में भी अच्छा कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली में बदलाव कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में भी कर सकते हैं। पंजाब की जनता अगर समझ सकती है कि आम आदमी पार्टी की क्यों ज़रूरत है, जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है वहाँ कांग्रेस भाजपा के अलावा अकाली दल या बहुजन समाज पार्टी, इन तमाम पार्टियों को नकार के आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना, तो मध्य प्रदेश की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी अपील करना चाहूँगा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को आप देके देखिए। पंजाब में जो आपको बड़ी जीत मिली है उसमें किसानों का बहुत बड़ा सहयोग माना जा रहा है और आपकी पार्टी ने आंदोलन में दिल्ली में जिस तरह से उनको सहयोग किया, सपोर्ट किया आपने, तो क्या आपकी पंजाब की जीत आप उसका पारितोषिक मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर जो किसान आंदोलन चला, अगर आप देखें 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी को सत्ता मिली, सत्ता मिलने के बाद उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे वो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा रहा हो, रोजगार देना तो दूर, आज आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 26 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया है। चाहे महंगाई कम करने का वादा रहा हो, महंगाई कई गुना बढ़ गई है, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा रहा हो, चाहे किसानों को उनकी फसल का दाम देने का वादा रहा हो, ये तमाम वादे खोखले निकले। यहाँ तक कि ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया था कि हम
100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, और इतना काला धन लाएंगे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये सब बातें जुमले निकली, और उसके बाद लगातार उन्हें धड़ल्ले से बिना किसी को कंसर्न में लिए, बिना किसी से पूछे कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। किसान भाइयों के लिए 3 कानून बने, उन किसानों से पूछा नहीं गया। जब किसान धरने पे बैठे, अनशन पे बैठे, तो उनको प्रधानमंत्री जी चाहते तो बुला के समझ सकते थे कि उनकी क्या समस्या है। लेकिन 1 साल तक ये आंदोलन चला, सरकार के कान में जून तक नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाते रहे कि वो खालिस्तानी हैं, वो देशद्रोही हैं, फलाना हैं। इन सब के बावजूद मैं अन्नदाताओं को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपना आंदोलन बिना डरे बिना झुके 1 साल तक चलाया। और 1 साल के बाद, चूँकि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनाव थे, उत्तराखंड पंजाब जैसे राज्यों के, तो सरकार को झुकना पड़ा और वो 3 कानून वापस लेने पड़े। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 700 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए। तो 1 साल बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को होश में आया, उनको समझ में आया कि भाई ये कानून गलत है, इनको वापस लेना है, तो पहले ही ले लेते। 700 लोगों ने कुर्बानी दी। तो आम आदमी पार्टी से जो बन पड़ा, Day 1 से हमने इस कानून का विरोध किया। हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और पूरी पार्टी इन कानूनों का विरोध करती रही। हमने मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में कई बार प्रदर्शन किए, और किसानों के आंदोलन को जो सहयोग, चाहे पानी की सुविधा हो, खाने की सुविधा हो, वो हमने सहयोग दिया। हम समझते हैं कि अन्नदाता अगर खुशी नहीं रहेगा, अन्नदाता को कष्ट होगा, तो देश की आत्मा को कष्ट होगा। हमने सहयोग किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस किसान भाइयों को ये समझ में आता है कौन सी पार्टी क्या कर रही है। हो सकता है उसमें एक बड़ा हिस्सा ये भी रहा हो कि पंजाब में जो हमको मौका मिला, वो जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने भी सहयोग किया हो। ये आंदोलन देशव्यापी था, पूरे देश के किसान भाई थे, मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसान भाई थे। तो बदलाव की ओर जनता देख रही है, और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जहां पे भी जनता के साथ अन्याय हो रहा है या जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बदलाव की बड़ी ज़रूरत है, और बड़ी संख्या में किसान हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो, सब लोग चाह रहे हैं, मजदूर हो, सब लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। तो पंकज सिंह जी, इस समय जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जी, तो क्या अब जनता, आपको भी ऐसा लगता है कि आपको जनता आपकी पार्टी को कांग्रेस के विकल्प के रूप में देख रही है, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जनता के बीच आप क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे आपके रहेंगे? पूजा जी, मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीति का तरीका है, जो हमारे मूल्यों का आप कहें कि एक तरीके से हम विस्तार कर रहे हैं, हम काम करते हैं। चूँकि इस देश में जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं सड़ गई थी। मतलब आप समझिए कि आज़ादी के, चूँकि जब हमारी पार्टी बनी थी उस समय 68 साल हो रहे होंगे, 66 साल हो रहे होंगे, तो इतने वर्षों के बाद भी अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा हम नहीं दे पा रहे, बीमार आदमी को इलाज नहीं दे पा रहे, लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, सड़कें नहीं दे पा रहे, तो इस देश के अंदर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको अपने आप को नेता कहने या समाज सेवी कहने में शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी, ये जो सड़ी हुई व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में जो घुन लग गई थी, उसके खिलाफ खड़ी हुई। ये सामान्य लोग जो कहीं नौकरी कर रहे थे, अच्छे घरों से पढ़ लिख के लड़के निकले, और उनने देश को बचाने का, देश को बनाने का जो सपना देखा, आज़ादी के दीवानों का जो सपना था कि हमारा भारत कैसा हो, उस सपने को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रयास है कि भाई कांग्रेस एक तरफ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं बनी बनाई सरकार गिर जा रही है, लोग बिक जा रहे हैं, खरीद लिए जा रहे हैं, या भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त पाए जा रहे हैं, ये रास्ता भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही सिखा के गई।
तो जो आज देश की स्थिति बन रही है उसके लिए जितनी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी उतनी ही जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। और हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास, हम कांग्रेस का विकल्प नहीं बनना चाहते, हम इस देश की जनता को उनके मुद्दों के आधार पे अच्छी शिक्षा उनको मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, बिजली पानी मिले, सड़क मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को फसल का दाम मिले, माताएं बहनों को सुरक्षा मिले, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता हमको पसंद कर रही है। हम समझते हैं कि हर पार्टी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको सरकारों को देना नागरिकों के लिए, ये एक हम सब का कर्तव्य बनता है जो भी लोग सत्ता पे बैठते हैं। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नहीं बल्कि इस देश की जनता के लिए पहला विकल्प बनने का प्रयास कर रही है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप चुनाव देखें, सरकार भाजपा की बनी तो आधे कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए, कांग्रेस के बनी तो भाजपा खाली होकर कांग्रेस की तरफ आने लगती है। ये सत्ता का खेल इनका चलता है। दोनों मिलके मध्य प्रदेश को भी लूट रहे हैं, देश को भी लूट रहे हैं। तो ऐसे समय में आम आदमी पार्टी प्रदेश और देश की जनता के सामने पहला विकल्प बनने का प्रयास कर रही है कि हम लोग कामों के आधार की राजनीति को यहाँ स्थापित करें। रीवा जिले की अगर बात करें तो आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी भूमिका निभा रहे हैं। सिमरिया विधानसभा में इनके ऊपर हमले करवाए गए, मुकदमे भी करवाए गए, तो ऐसे में जब आप एक सशक्त पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं तो क्या कदम उठाएंगे और आप मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए पूजा जी, सत्ता अक्सर अहम लेकर आती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो आपने मुद्दा उठाया हमारे जिला अध्यक्ष जी पे जो हमला करवाया गया, ये केस दर्ज किया गया, उस मुद्दे की बात करें तो वहाँ के जो विधायक हैं सिमरिया के केपी त्रिपाठी हों या अन्य जगहों पे जो नेता हों, तो ये भूल जाते हैं कि ये लोकतंत्र है, ये देश और प्रदेश और ये रीवा कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। वो केपी त्रिपाठी के कानून या शिवराज सिंह चौहान के कानून या राजेंद्र शुक्ला जी के कानून से नहीं चलेगा, वो संविधान से चलेगा। जो है वो सबके लिए समान है। अहम में, घमंड में चूर लोगों को हमने बहुत देखा है कि सत्ता से सड़क पर आते हुए, तो इतना अहम ना करें ये लोग। और हमारे किसी भी कार्यकर्ता पे, चाहे प्रमोद शर्मा जी तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे किसी भी कार्यकर्ता पे कोई भी ऐसी बात आती है तो चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे जिस भी स्तर का मामला हो, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी होगी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हाँ, हम लोग गलत करते नहीं हैं और गलत सहते भी नहीं हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे वो केपी त्रिपाठी जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे हमारी आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो, हमें ये समझना चाहिए कि राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति शोषण का माध्यम नहीं हो सकता। तो आप अपना कर्तव्य ना भूलें, देश के संविधान और देश के कानून से ऊपर ना उठें, आप कानून के दायरे पर रह के काम करें, आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। जनता जिसको जिसका काम पसंद करेगी उसको मौका देगी। और ये घमंड बहुत दूर देर तक चलता नहीं है। रावण का घमंड नहीं चला तो फिर हम आप कितने पानी में हैं, ये मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपकी रणनीति कैसी होगी, क्या होगी, और क्या कुछ ऐसे कांग्रेस या फिर किसी अन्य दल के बड़े नेता हैं जिन्हें आप टिकट देके अपनी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारना चाहेंगे? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का तरीका है या जो हम तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, हम तीन स्तर पे, एक तो अपने पार्टी का मजबूतीकरण कर रहे हैं, पहला है हम संगठन विस्तार कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य संगठन है बूथ स्तर पे कैसे मजबूत हो, बूथ स्तर पे हमारी समितियां कैसे मजबूत हो, इस पे हम तेज़ी से जोर दे रहे हैं। दूसरा, जो जनता के मुद्दे लगातार आ रहे हैं, चाहे किसान भाइयों का मुद्दा हो, उनकी खाद का, उनके बीज का, उनको मंडी में क्या समस्या आ रही है, उनको बिजली बिल में क्या समस्या आ रही है, या युवाओं के रोजगार का मामला हो, या लोगों के आवास का मामला हो, या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरीके का भ्रष्टाचार या गलत
हो रहा हो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर हमारे चूँकि राज्यसभा सांसद और तमाम जगहों पे लोग हैं तो हम सदन पे भी सवाल उठवाते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ मुद्दे हमारे सांसदों ने राज्यसभा में भी उठाए हैं, तो हम जनता के लिए दूसरा संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तीसरा जो है तो जो आगामी चुनाव हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हों चाहे वो आगामी विधानसभा के चुनाव हों, उनको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। बात रही कि अन्य पार्टियों से लोगों को लेने का सवाल, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल अपील करूंगा कि जो लोग भी अच्छे लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हों चाहे कांग्रेस में हों चाहे किसी अन्य दल में रहे हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों या मीडिया के साथी हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों या मजदूर हों, कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी में आ सकता है जो हमारी पार्टी के सिद्धांतों के साथ चलना चाहता है, उसका स्वागत है, अच्छे लोगों का स्वागत है। हम मिल के मध्य प्रदेश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था और लोगों की सत्ता, क्योंकि इस प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिल के लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चला रहे हैं, तो मैं इस प्रदेश की जनता से, इस प्रदेश के सम्राध वर्ग से, बुद्धिजीवी वर्ग से, सब लोगों से अपील करूंगा कि लूट के खिलाफ आइए हम सब लोग मिलकर संघर्ष करते हैं। मध्य प्रदेश को कई बार हमसे पूछा जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी यहाँ तीसरा विकल्प बनेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश को तीसरे विकल्प की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश को, चूँकि ये दोनों पार्टियाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिल के लूट रही हैं, कोई भी ठेका आप किसी भी ज़िले का उठा लें, भाजपा और कांग्रेस के नेता शामिल मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश को तीसरे नहीं बल्कि पहले विकल्प की ज़रूरत है और आम आदमी पार्टी पहले विकल्प बनने का प्रयास कर रही है। हम कामों के माध्यम से करना चाहते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक मौका देके देखिए, हम अगर दिल्ली में अच्छा काम कर सकते हैं, पंजाब में अच्छा काम कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी हम कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर एक दो जिलों को छोड़ दिया जाए तो आपकी पार्टी का कोई विशेष काम दिखता नहीं है कहीं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली और पंजाब की जीत से उत्साहित होकर आप आगे अमली चुनाव लड़ें और फिर रिजल्ट वही रहे जो अभी चार राज्यों के जैसे हैं? पूजा जी, मैं आपको बता दूं, मैं प्रतिदिन फील्ड पर रहता हूं, कार्यक्रम करता हूं। मध्य प्रदेश के 52 में से 50 जिलों में हमारी अच्छी टीम है। मध्य प्रदेश में हमने हर विधानसभा में अपनी टीम गठित की थी पहले भी, और हम करीब 128 विधानसभाओं में पुनर्गठन कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के कई ब्लॉकों में हमारी टीम है, कई ग्रामीण इलाकों के ग्राम पंचायत में हमारी समितियां हैं, शहरी इलाकों के जो वार्ड हैं वार्ड समितियां हैं हमारी। हम बूथ स्तर पे अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं, ये मुख्य संगठन है। फिर हमारा युवा मोर्चा काम कर रहा, हमारा किसान मोर्चा काम कर रहा, महिला विंग हम तेज़ी से गठित कर रहे हैं, हमारी लीगल सेल है, व्यापारी प्रकोष्ठ है, डॉक्टर सेल है, ऐसे तमाम हमारे प्रकोष्ठ भी लगातार काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर हम ज़मीन पे काफ़ी मजबूत हैं और मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं, तेज़ी से हमसे लोग जुड़ रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस पार्टी से इस बात के लिए डर लगता है, चूँकि झाड़ू जब चलती है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में चली तो 70 में से जनता ने 67 सीटें दी, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली, स्कूटर में बैठ के विधानसभा जा सकते थे विधायक वहाँ। कांग्रेस जो 15 साल शासन चलाई उनको 0 सीट मिली, पहले मतलब जो 2015 का चुनाव था उसमें 0 सीट, और 2020 में भी जो चुनाव हुआ उसमें भी 0 सीट कांग्रेस को मिली। भारतीय जनता पार्टी खूब मेहनत की, प्रधानमंत्री लग गए, अमित शाह जी लग गए, 300 सांसद लग गए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगे, पूरा पैसा बहाया गया, फिर भी 70 में से 8 सीटें जीत पाए। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आईं। तो जब झाड़ू चलती है तो अच्छे अच्छों का सफाया हो जाता है, तो इनको इस पार्टी से घबराहट होती है, इस पार्टी से डर लगता है कि यार हम लोग, आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का बजट 2,79,000 करोड़ का बजट है, और शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ सब कुछ होते हुए, बिजली प्रचुर मात्रा में है यहाँ, यहाँ कृषि अच्छी है, यहाँ का मानव संसाधन अच्छा है, नदियाँ अच्छी हैं, खनिज संसाधन अच्छे हैं, सब कुछ होते हुए हर 2-3 महीने में वो कर्जा लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पे जो मध्य प्रदेश का नागरिक है उस पे 45,000 रुपये का कर्जा है मध्य प्रदेश में। ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी है,
शिक्षक आए दिन धरने पे बैठते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलती। स्कूलों की हालत आप देख सकते हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र तो दूर, शहरी जो जिला मुख्यालय के अस्पताल हैं उनकी हालत खराब है। वहाँ डॉक्टर्स ठीक से नहीं बैठते हैं, नर्सेस ठीक से नहीं है, सफाई नहीं है, वहाँ सुविधाएँ नहीं हैं, स्वास्थ्य खराब है। बिजली की स्थिति आप समझ सकती हैं, किसान भाइयों से लेकर पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है, और मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली ये दे रहे हैं जनता को। यहाँ पे युवा सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान भाई अपनी फसलों के दाम के लिए तरस रहे हैं। महिला सुरक्षा के नाम पे मैं बता दूं आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो आंकड़ा देता है कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचार के मामले में देश में नंबर एक पे है। तो एक तरफ इस तरीके की सरकार शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी यहाँ से बिजली खरीदती है मध्य प्रदेश से, और हम दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली देते हैं, हम वहाँ शिक्षा फ्री देते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री देते हैं, हम तमाम तरह की अन्य सुविधाएं देते हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, महिलाओं की यात्रा फ्री है, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देते हैं, कोई सैनिक अगर सीमा के अंदर या सीमा में शहीद हो जाए तो उसको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देते हैं। फिर भी हम 32,000 करोड़ के बजट को फायदे का बजट बना के 69,000 करोड़ रुपये पर पहुँचा दिए। तो ये तमाम आप आकलन कर सकती हैं कि किस तरीके की चीज़ें एक तरफ मध्य प्रदेश में चल रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में चल रही है। तो हम केवल पंजाब और दिल्ली से उत्साहित भर नहीं, हम ये समझते हैं यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, इन परिस्थितियों में यहाँ के मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों के लिए हमारे संगठन की कितनी तैयारी है, हमारी चुनावी कितनी तैयारी है, कितना हमें संघर्ष करना है, वो हम समझते हुए ज़मीनी तैयारी हम कर रहे हैं और जनता को ठोस और मजबूत विकल्प देने जा रहे हैं। इस समय जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और इस मुद्दे पर कोई भी पार्टी बात नहीं करना चाहती, जबकि सबसे ज्यादा मतदाता युवा है, तो इस मुद्दे को कैसे भुलाएंगे आप? इसको लेके आपकी कोई विशेष योजना है, आंदोलन करेंगे आप इस चीज को लेके, इस मुद्दे को लेके? देखिए मैं बता दूं आपको कि आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश की युवा इकाई रोजगार संवाद यात्रा, हम युवाओं चला रहे हैं। वो हस्ताक्षर अभियान हम जिले के जो प्रशासनिक अमला है, अधिकारी हैं, उनको भी देंगे। प्रत्येक, चाहे वो किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन सबको हम वो प्रति देंगे कि हमको रोजगार दीजिए, और तमाम अच्छे आंकड़ों के साथ देंगे कि मध्य प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं, कितने सरकारी पदों में खाली पद पड़े हुए हैं, कितना आपने फीस वसूली है, उनको कहाँ कहाँ लूटा गया है, किन किन जगहों पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है, वहाँ रोजगार दिया जा सकता है, इन सब पूरी तैयारी के साथ हमारी युवा टीम सभी जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अमले को ये ज्ञापन भी देगी। और 14 अप्रैल जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती है, उस दिन भोपाल में हमारी युवा विंग बड़ा प्रदर्शन भी करने जा रही है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय रोजगार नीति की तरफ बढ़ रही है। हम लोग लगातार देश के अलग अलग राज्यों में रोजगार संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, और उसके माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने का काम आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जी के नेतृत्व में, चूंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता भी इसमें शामिल हैं और एक सामाजिक संगठन भी है देश की बात फाउंडेशन, उसके थ्रू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के लेकर अपना दौरा शुरू किया है। इसके साथ ही इन्होंने उम्मीद जताई है कि जो आने वाले चुनाव में हैं, इन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये बहुमत के साथ अपनी जीत हासिल करेंगे, जैसे अभी इन्होंने पंजाब में अपनी बढ़त हासिल की है, जीत सरकार बनाई है। साथ ही इन्होंने सवरिया विधायक को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राजवाटिका विवाह घर, सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध।
अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।